जिला सांबा का सिडको चरण, जहां सीमेंट इंडस्ट्रीज के कामकाज से आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इन इलाकों में सीमेंट इंडस्ट्रीज के चलते वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लोगों के अनुसार इन इलाकों में पूरी तरह से खेतीबाड़ी का काम भी प्रभावित हुआ। सीमेंट इंडस्ट्रीज क्षेत्र में वायु प्रदूषण पैदा हो रहा है और ये बसंतार नदी के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सीमेंट इंडस्ट्रीज वाले इस क्षेत्र में एक घनी आबादी भी है जो धूल प्रदूषण से प्रभावित होती है। प्रदूषण के गंभीर मुद्दे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए इन लोगों ने कहा कि ना ही सीमेंट कारखाने ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया है और ना ही उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित किया है, और ऐसे में माहौल को खराब करने के लिए यानी वातावरण को खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्रीज के धुएं से विशेष तौर से जो धूल है उससे इलाके में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं। ये हमारे जो बॉर्डर रोड की बॉर्डर साइड है, हमारे किसान भाई फसलें अभी खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, तो हम यही कहना चाहते हैं ना तो फसल हो पाती है इन पोल्यूशन की वजह से, और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो सांबा के लोग हैं, ये सीमेंट इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन खा रहे हैं। हम सरकार से यही एक अपील करते हैं कि जो ये सीमेंट वाली इंडस्ट्री लगी हुई है इनको सांबा से कहीं दूर शिफ्ट किया जाए, नहीं तो ये जो इंडस्ट्रियाँ हैं पोल्यूशन वाली सीमेंट की ये बंद की जाए। देखिए ये जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हैं, सीमेंट प्लांट लगे हैं या केमिकल इंडस्ट्रीज लगे हैं, हम डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं हैं। मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये जो इंडस्ट्री है, चाहे जहाँ पर गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, जहाँ यहाँ से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे ले जाए, ऐसे भी थर्ड फेज शुरू हो रहा है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में केमिकल प्लांट्स की वजह से, सीमेंट इंडस्ट्रीज के वजह से इतना पानी जमीन से निकाला जा रहा है कि सांबा का जो वाटर टेबल है वो करीबन 10-15 फुट नीचे चला गया है। इसके अलावा जो बेस्ट प्रोडक्ट है या केमिकल इंडस्ट्री का, जब सीधे बसंतर रिवर में पड़ता है, फिशरीज की बहुत सारी स्पीशीज ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं, और बुरचांडा का इलाका जहाँ से जो 5-6 किलोमीटर नीचे का था, कभी बड़ा ही उपजाऊ था, वो सारी की सारी फसल वहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, वो बंजर जगह बन चुकी है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि प्रोग्रेस अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन कर रही हैं उनका कोई हल किया जाए, नहीं तो ये सांबा में ऑलरेडी बड़ी लेबर फोर्स बढ़ चुकी है, सांबा खुद की आबादी बढ़ रही है, कल को जे जी का जंजाल ना बन जाए, ये सारी प्रोग्रेस लोगों के गले की फांस ना बन जाए। तो मेरी जो लोगों से, मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि किसी तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए।